पर प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। संविधान दिवस पर पीएम मोदी बोले, पारिवारिक पार्टियां देश के लिए चिंता का विषय। मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता के निर्देश, जम्मू कश्मीर में स्मार्ट सिटी मिशन को पूरा करने के लिए तेज करें मुहिम। पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी बोले, पंजाब में हर बुरे काम में बादलों का हाथ, भुगतनी पड़ेगी सजा। सोनिया गांधी के दरबार तक पहुंचा दिल्ली कांग्रेस का घमासान, नाराज नेताओं ने लिखा खत। कोरोना के नए वेरिएंट पर सरकार अलर्ट, राज्यों को दिए विदेशी यात्रियों की सख्त जांच के आदेश। बसपा से मुंह मोड़ते ही बेनकाब हुए विधायक गुड्डू जमाली, मायावती ने किया बड़ा पलटवार। राज्य कर्मियों के बाद सार्वजनिक उपक्रम, कर्मचारियों को योगी सरकार का तोहफा, बड़ी दर से मिलेगा महंगाई भत्ता। अलकायदा के लखनऊ कनेक्शन की तलाश में एनआईए के जम्मू कश्मीर में छापे, कई अहम दस्तावेज बरामद। महंत नरेंद्र गिरी ने हटवाए थे मठ से सीसीटीवी फुटेज, सीबीआई ने चार्जशीट में किया ये बड़ा खुलासा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बोले, अति पिछड़ों को मुख्य धारा मिलाने के लिए शिक्षा जरूरी। भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा चीन, वाली सीडीएस रावत की टिप्पणी का ड्रैगन ने किया विरोध, उकसाने का आरोप लगाया। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर डब्ल्यूएचओ ने बुलाई आपात बैठक, अफ्रीकी देशों पर ब्रिटेन और इजराइल ने लगाया यात्रा प्रतिबंध। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति में चुना गया भारत, 4 साल का है कार्यकाल। अमेरिका ने 12 चीनी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट, पाकिस्तान के परमाणु मिसाइल कार्यक्रम को भी झटका। टेंशन में चीन, समुद्र में उसके मालवाही जहाज ट्रैकिंग सिस्टम से होने जा रहा गायब, वजहों का नहीं चल पा रहा पता। श्रेयस अय्यर ने डब्ल्यू टेस्ट में जड़ा शानदार शतक, कानपुर में 52 साल बाद हुआ ऐसा। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया करारा जवाब, अभिमन्यु ईश्वरन ने ठोका शतक। टीम पान ने क्रिकेट से लिया ब्रेक, एशेज से हुए बाहर, सिक्सटिंग कांड की वजह से छोड़ी थी कप्तान। अय्यर गिल ने बढ़ाई पुजारा रहाणे की मुश्किलें, भारतीय चयनकर्ता ले सकते हैं चौंकाने वाला फैसला। काइल जेमिसन बोले, भारत अभी न्यूजीलैंड से आगे, लेकिन दूसरे दिन बेहतर की उम्मीद। बॉम्बे हाई कोर्ट से राज कुंद्रा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, पॉर्न रैकेट केस से साइबर सेल ने दर्ज किया था मामला। ₹120 करोड़ में बनी अतरंगी रे, डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने 200 करोड़ में खरीदी, रिलीज से पहले ही सुपरहिट। चीन से पेनड्राइव में स्विग्ड उत्तर कोरिया लाने वाले को गोली मारी गई, इसे देखने वाले स्टूडेंट्स को भी जेल। करीना कपूर खान ने देखते ही देखते किए 108 सूर्य नमस्कार, वीडियो में एक्ट्रेस की एनर्जी देख फैंस हुए हैरान।
कुमकुम भाग्य फेम गरिमा अरोड़ा टीवी के बाद अब वेब सीरीज अवध में बिखेरेंगी अपना जलवा। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।